दोस्तों स्वागत है आप सबका एक वीडियो में। ये वीडियो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के इंग्लिश पेपर का है, जिसका नाम है BAE 221 कोड, पेपर नंबर पेपर कोड है BAE 321 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 2। तो ऐसे ही मैं ये 2015 का दे रहा हूँ। इसी वीडियो में 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप बस एक ही काम करिए कि आप अगर इस सब्जेक्ट के हो, अगर आपको ये पढ़ना है, तो आप ये क्वेश्चन एक जगह नोट डाउन कर लो। अगर आप किसी और सब्जेक्ट और फैकल्टी के हो, 6 सेमेस्टर में पढ़ते हो, तो आप क्या करना, तो आपको क्या करना है कि आपको अपना सेमेस्टर, फैकल्टी का नाम और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, आपको हमें कमेंट में लिख देना है। ये हिमांशु मिश्रा आपको पेपर अपलोड कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा। ये वीडियो एक तरीके से बहुत ज्यादा डिमांडेड इसलिए है क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको पेपर चाहिए। उनका 6 सेमेस्टर है, एक यूनिवर्सिटी बंद है, ओपन बुक एग्जाम गवर्नमेंट लेने वाली है। तो ये 2015 का था, 2016 का अब आपको दिखाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट टू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पार्ट वन हो चुका है 5th सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर में आपका ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने। तो बस आप एक यही काम करिएगा कि अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अपने देखिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा कि ओपन बुक एग्जाम है, सब लोग पहले से पढ़ करके रखेंगे। आपको मैं यहाँ घर पे इसलिए पेपर सब तक पहुंच नहीं पा रहा है, कोई जा नहीं पा रहा है, यहाँ तक ले नहीं पा रहा है। जो ये क्वेश्चन है मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये BHU के ऐसी सारी चीजें होती है, मिसप्रिंट समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। डिस्कस 2 मेजर एक्सपेरिमेंट्स इन मॉडर्न नॉवेल, हाँ ये लिखा हुआ है। तो मैं इसको पढ़ करके सुना दिया, ये आपको दिखता नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रॉब्लम प्ले, एग्जाम्पलीफाई फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, अभी 2016 का था, 2015 का हम लोगों ने अपलोड कर दिया, 2016, 2017 पे अब आगे बढ़ते हैं। 2017 का मिसिंग है, उसको हम लोग जल्द से जल्द, अगर वो पेपर अवेलेबल होता है तो हम आपको अवेलेबल कराएंगे उसको। और अगर हम बात करें 2017 का पेपर, जैसे ही मिलेगा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अब हालांकि ये 2018 का है तो आपके सामने मैं ये पुट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं हमको, नहीं दिख रहे हैं तो आपको किसे दिख रहे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा आप। ट्रांस बिलीफली द हिस्ट्री ऑफ रोमांटिक मूवीज इन इंग्लैंड, हाउ फॉर वुड इट बी करेक्ट टू से द बोथ अराइवल एंड द डिवॉल्ट। बस और मैं जाकर के अगर आपको दिख रहा होगा तो डिस्कस द करेंट एंड क्रॉस करेंट इन द इकोनॉमिक लाइफ इन अ विक्टोरियन इरा। इन द क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अच्छे से लिखा नहीं था तो इसलिए बोल करके हम लोग आपको बताने की कोशिश किए हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न नॉवेल, लिखा है ना नॉवेल, डिस्कस विद रेफरेंस टू द नॉवेल यू हैव के बाद क्या है, रेड, और के बाद ये क्या लिखा है आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। और है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द साइलेंट फीचर्स ऑफ जॉर्जियन पोएट्री, इंटरवॉर पोएट्री। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये दिख नहीं रहे इसलिए हमने पढ़ने की कोशिश किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अकाउंट फॉर द रिवाइवल ऑफ इंग्लिश ड्रामा टुवर्ड्स द एंड ऑफ विक्टोरियन एरा। हम लोग को नहीं दिख रहा है तो इन लोग को कैसे देखेगा। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ दिया, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। और दूसरा और के और में क्या लिखा है, और में है गिव एन अकाउंट of socio-economic condition in the early decades of 20th century in what different way is the modern spirit of questioning reflected in the literature of the age. तो सेक्शन नहीं, अच्छे से दिख नहीं रहा था तो इसलिए पढ़ करके सुना दिया। सेक्शन बी भी लगता है पढ़ने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। तो जल्दी ही पढ़ेंगे। हाँ, ये तो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक एंड टेक्निक ऑफ द मटेरियल मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग। दिख नहीं रहा हम लोगों को एकदम, बिल्कुल हम लोग अपने प्रिटेंड करके पढ़ रहे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको दिख रहा होगा। राइट डाउन द प्री
प्रीरिफिलिक मोमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है। नहीं ये तो विजिबल है, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको खुद ही हेल्प करता अगर आप पटक रहे हो तो। तो ये रहा हमारा 2018 का, 2019 के इसके बाद तुरंत 2018 था ये भाइयों, 2019 आ गया आपके सामने। तो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, ये इंग्लिश का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट टू का पेपर था। इसके बाद हम क्रिटिसिज्म और अनदर टाइप ऑफ जितने भी पेपर हैं हिस्ट्री विस्ट्री के, इंग्लिश से रिलेटेड पांच सब्जेक्ट पेपर होते हैं, तो पांचों पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ सिक्स सेमेस्टर का BHU का फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का। तो अगर आप सोशल साइंस में हैं, साइंस में हैं, को BCOM में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, सिक्स सेमेस्टर में हैं, क्योंकि आपका ओपन बुक एग्जाम होने वाला है, तो आप हमें जरूर बताएं। बस आप अपना नाम भी नहीं लिखिए, आप अपना फैकल्टी का नाम, सेमेस्टर और सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड लिख करके भेजिए, हम उसको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अवेलेबल करा देंगे यार, कोशिश क्या होता है, करा देंगे। आप लोग को चाहिए, आप लोग, आप लास्ट ईयर है आपका, आप अच्छे से पढ़ लो, देखते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको इंग्लिश के दूसरे टॉपिक के साथ, नए पेपर के साथ, नए पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और भी सारे पेपर जितने भी हैं आपके, 6 पेपर हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसमें 6 पेपर का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 पेपर के हम लोगों ने वीडियो बनाने का कोशिश किया। हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। थैंक यू।